यातायात थाना के दौरान नो पार्किंग जोन में भयंकर कार्रवाई। यातायात थाना के द्वारा नो पार्किंग जोन में भयंकर कार्रवाई की जा रही है। सुबह यातायात थाना के प्रभारी नीलमणि रंजन के द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर नो पार्किंग जोन में लगे गाड़ियों को उठाया गया। उनका कहना है कि जब पूर्ण रूप से मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के जागरूक हेतु बोर्ड भी टांग दिया गया है, यहां नो पार्किंग जोन क्षेत्र है तो आखिर गाड़ी लगाना दंडनीय है। इस हेतु लगातार यातायात थाना गाड़ियां उठा रही है। आज भी कार्रवाई की गई। ये लगातार अभियान चला, हम लोग चला रहे हैं। इधर से कुछ दिन पहले हमें बंद कर दिए थे, फिर से गाड़ी उठाना शुरू कर दिया। किसी पार्किंग में व्यवस्था कर दिया है, ये लोग नहीं मान पाते, इसलिए गाड़ी उठा के थाना ले जाएंगे, उसको फाइन करेंगे। कहाँ पर से गाड़ी उठा रहे हैं? वो गाड़ी उठाया जा रहा है। क्यों उठा रहे हैं? ये दो पार्किंग जोन पी एम था, इसके बाद जो कुछ महीने पहले बनाया गया था, उसी के आलोक में यहाँ पर जो गाड़ी यहाँ पर रोड जाम लग गया है और लोगों को परेशानी भी होती है। अपना चोरी का भी शिकायत है, तो इसी कारण से पार्किंग व्यवस्था किया गया था। उसी के आलोक में यहाँ पर से गाड़ी उठाकर थाना ले जा रहा, उसको फाइन करेंगे। कहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की गई है? पार्किंग पोलो मैदान के पीछे हताली मोड़, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था किया गया, जो यहाँ से 100 मीटर 50 फीट या 100 मीटर दूरी डिस्टेंस पे है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ से हटाकर दूसरे जगह की गई है, उसका बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, पब्लिक कैसे समझेंगे? जगह जगह पे बोर्ड लगा दिया गया, देख लीजिए वहाँ पे भी बोर्ड लगा दिया गया, वहाँ पे भी बोर्ड लगा दिया गया है। सब जानेगा सूचना मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सभी के माध्यम से सूचित भी किया गया है और एक महीना से कार्रवाई भी चला है। कितना कार्रवाई बंद थी? कितना गाड़ी उठा अभी तक? अभी 4 गाड़ी उठी है, जारी कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से अपील भी करेंगे अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्थल पर ही लगाएं, जिससे आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहे और रोड पर जाम भी नहीं रहे। सर, ये कार्रवाई सिर्फ कोर्ट परिसर में ही चलेगा या फिर अन्य जगहों पर? क्योंकि देखा जा रहा है दरभंगा टावर पर इस कदर अवैध तरीके से लगाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है वहाँ। वहाँ पे भी किया जाएगा, वो DSP साहब को आदेश लेकर वहाँ पे भी कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल अभी वहाँ पे आदेश हम लोग को नहीं है। शहर में मिर्जापुर हो, उसके बाद गुनार हो, बेटा हो, यहाँ पर गाड़ी उठाया जा रहा है। सर, दरभंगा शहर में बहुत सारे मॉल है और व्यवसायी लोग कपड़ा का दुकान किए हुए हैं, लेकिन रोड पर ही गाड़ी लगा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन की तरफ से? सभी दुकानदार को नोटिस दिया गया था, इसके पूर्व भी हम लोग नोटिस दिए थे, आप लोगों को सूचित भी किया गया था, लेकिन वो लोग बताए हैं कि अपना गाड़ी अपना उठा सकते हैं, तो हम लोग अपना गाड़ी उठाते हैं, फाइन करते हैं। जैसे कि राधे राधे होटल के सामने परसों उठाया गया था, गाड़ी उठा कर थाना में फाइन किया था। तो लोगों से अपील करें कि अपना पार्किंग का सर्किट है, जैसे बेता चौक पर पार्किंग है, कपूर चौक के पास पार्किंग है, पर यहाँ पे पार्किंग है, मिर्जापुर चौक के पास पार्किंग, तो पार्किंग सब पे लगा है ना, तो गाड़ी रोड पर लगे, हम उठा के थाना ले जाकर फाइन करेंगे।